आज हम बात करते हैं डेंटस प्लान की ये मेरा सबसे पहली वीडियो इसी की थी यूट्यूब में और ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है मैंने इसको डेड हेडिंग कर दी थी उसके बाद न्यू ग्रोथ आई है इसमें भी न्यू ग्रोथ है मतलब दोबारा इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है और इसमें मैंने नीम खली प्लस सरसों खली और Uh, मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है हाइब्रिड वैरायटी हमेशा मिलती रहती है नर्सरी में और समर्स में जो है बस इनका ख्याल रखना होता है मैं इसी जगह पे रखती हूँ और धूप से हटा देती हूँ क्योंकि इसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं दो प्लांट हैं जो पिछले साल के हैं और ये बहुत अच्छे से ब्लूम करे हैं ये इतना ज़्यादा आपको खिल के भर के नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें धूप में नहीं रखा है अगर मैं धूप में रखूँगी तो ये भी पूरा भर जाएगा अच्छे से लेकिन जब जून होगा ना तब इनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने जून में बचा लिया तो फिर ये दो तीन साल कहीं नहीं जाते आपके साथ ही रहते हैं और इनको बस देखना पड़ता है कि इसमें फंगस तो नहीं लग गई है तो वो घुड़ाई करते करते आपको पता चल जाता है कि इसके प्लांट में क्या चल रहा है और हाँ इसमें जो मैंने बा, आ, बायो एंजाइम बनाया था वो भी मैं डालती रहती हूँ ये मेरा देसी वैरायटी है देखिए डार्क पिंक है लाइट पिंक है और वाइट कलर है तो इसको मैंने प्लास्टिक में लगा रखा है बस कोई भी प्लांट हो उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए ओवर वाटरिंग होती है तभी सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं मेरी जो मिट्टी होती है इसमें सेवेंटी परसेंट गार्डन सॉइल थर्टी परसेंट गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और एक अच्छे से मुट्ठी नीम खली की होती है साफ फंजी साइड आप यूज़ कर सकते हैं मैं तो लहसुन को ही जैसे एक कट आप लहसुन की ले लो और उसको मिक्सी में पीस लो और फिर उसमें एक लीटर पानी में उसको मिला लो उसका डबल भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्मेल से कीड़े भाग जाते हैं और ये नहीं कि आपने एक बार यूज़ किया उसको बार बार आपको यूज़ करना पड़ सकता है अगर कीड़े हैं तो अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है जनरली विंटर्स में ही ज़्यादा कीड़े लगते हैं समर्स में तो ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है अपने प्लांट्स में और क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ होती है तो कीड़े ऐसे ही जाते हैं चीटियां जो होती हैं वो समझ में ठंडक की ओर भागती हैं तो वो मिट्टी में अपने अंडों को रखती हैं ठंडी जगह पे अगर आपके गर्मी में लग रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो आप देखिएगा उनके पास वाइट वाइट सा कुछ होता है वो उनके अंडे होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं उनको सेव करती हैं ठंडक जगह पे रखने से तो ऐसा नहीं है कि आपके प्लांट में कीड़े लगे हैं तभी चीटियां आ रही हैं वैसे चीटियां बहुत इंटेलिजेंट होती है उनको पहले से ही पता चल जाता है किसमें कीड़े लगे वाले हैं कभी कभी ना वो अपने बच्चों का खाना पहले से भाप लेती हैं और फिर अपने बच्चों को ले आती हैं कि वो जब तक बॉर्न होंगे तब तक उनको खाने का मिल जाएगा इसलिए भी ऐसा वो करती हैं और हाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है ना वो पानी के रूप में होता है और जल्दी हमारे प्लांट की रूट उसको ले लेती हैं और अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती हैं तो फिर ब्लूमिंग भी होती है इसलिए फ़र्टिलाइज़र मैंने दिसंबर में दिया था अब मैं इसको मार्च में दूंगी इसके बाद मैं नहीं दूंगी सीधे अक्टूबर में दूंगी क्योंकि समर्स में ये उतना ब्लूम नहीं करेगा जितना ये विंटर्स में करता है और आगे आगे इसमें ब्लूमिंग बंद हो जाएगी फिर अक्टूबर से ही स्टार्ट होगी फर्टिलाइजर जब भी दें या तो फिर सुबह दें या फिर शाम को दें धूप में कभी ना दें तो इसमें कोई पैस नहीं लगते लेकिन हाँ बरसात में इसमें कभी कभी लग जाते हैं और कीड़ों का पता नहीं चलता है वो धीरे धीरे आपका प्लांट अंदर से खा देते हैं तो जब भी आप बुराई करें तो मिट्टी ज़रूर चेक करते रहे कि मिट्टी में कोई कीड़ा लग रहा है या नहीं, नहीं। मैंने इसमें कीड़े मिली देखे हैं जैसे कि गुड़ल के पेड़ में लगते हैं ना वैसे ही इसमें भी लग जाते हैं तो ये एक नॉर्मल चीज़ है तो इससे डरने वाली बात नहीं है जो ज़्यादा कीड़े लगे हैं तो उस स्टेम को ही तोड़ के हटा दीजिए और नहीं तो फिर आप पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं डेंटस प्लांट्स बहुत हार्डी प्लांट है कंपेयरिंग टू पिटूनिया पिटूनिया जो होता है एकदम से फ्लारिंग हो जाती है खूब सारी ब्लूमिंग हो जाती है नेक्स्ट डे वो बिल्कुल पुरझा जाते हैं तो मुझे तो उससे बेटर डेंटस लगता है कम से कम वो स्ट्रेट रहता है और हार्डी प्लांट है आप कमेंट करके बताइए कि आपको पिटूनिया ज़्यादा पसंद है या डेंटस